वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अनुष्का शर्मा और कार्तिक आर्यन ने पीटीए इंडिया के सबसे गर्म शाकाहारी 2018 को दोषी ठहराया। वोटों की संख्या बढ़ी है और इस साल की प्रतियोगिता का नाम पीटीए इंडिया की सबसे गर्म शाकाहारी हस्तियां बनने के लिए पहली बार दो बार महिला विजेता बन गया है। अनुष्का शर्मा, जिन्होंने पहले 2015 में खिताब जीता था, ने कार्तिक आर्यन के साथ फिर से शीर्ष सम्मान प्राप्त किया है। अनुष्का, जिसे 2017 में हमारे व्यक्ति का वर्ष भी नामित किया गया था, ने हाल ही में एक पेटा इंडिया विज्ञापन अभियान में अभिनय किया, जिसमें कहा गया है, मैं अनुष्का शर्मा हूं और मैं शाकाहारी हूं। जानवरों की मदद करने के उनके अन्य प्रयासों में शामिल होने की योजनाओं की घोषणा करना शामिल है। मुंबई के पास एक पशु आश्रय, जागरूकता बढ़ाने के लिए पॉजिटिव अभियान शुरू करना, जब लोग जोरदार फायर क्रैकर्स बंद करते हैं और मुंबई में क्रूर घोड़े से तैयार गाड़ी की सवारी पर प्रतिबंध लगाने में सफलतापूर्वक मदद करते हैं। यह पहली बार है कि इस चुनाव में कार्तिक आर्यन दिखाई दिए हैं। वैजी दिल की धड़कन न केवल अपने प्रशंसकों के साथ एक हिट है, बल्कि अपने पशु मित्रों को उनके भोजन विकल्पों के लिए भी है। जैसा कि हमारे वीडियो एक्सपोज ग्लास वॉल्स में पता चला है, भारत में भोजन के लिए मारे गए मुर्गियों को पता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उनके गले लगाए गए हैं। गायों और भैंसों को इतनी बड़ी संख्या में वाहनों में फेंक दिया जाता है कि उनकी हड्डियां अक्सर कटाई के लिए खींचने से पहले टूट जाती हैं, और जब वे चिल्लाते हैं तो सुअरों को सूजन में डाल दिया जाता है। मछली पकड़ने वाली नौकाओं के डेक पर मछली अभी भी जिंदा होने पर खुली होती है या खुली होती है। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। आपका दिन शुभ हो।